खबरें विस्तार से। स्वच्छ जमशेदपुर और सुरक्षित जमशेदपुर को लेकर प्रशासन द्वारा अब कड़ा रुख अपनाया जाएगा। रविवार को हुई बैठक में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने वाले और यातायात नियमों को तोड़ने वालों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है। प्रशासन ने अब सोमवार से कड़ा रुख अख्तियार करने का मन बना लिया है और सख्ती से पालन किया जाएगा। रविवार को उपायुक्त ने सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। अभियान के पहले चरण में बिना हेलमेट चालक, गलत तरह से पार्किंग, अंडर एज ड्राइविंग, ओवरलोड आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नहीं, आज स्वच्छ जमशेदपुर सुरक्षित जमशेदपुर विषय पर जो है वो बैठक आहूत की गई है और इसमें सभी विभागों के पदाधिकारी साथ ही साथ कंपनी के भी प्रतिनिधि भाग लिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जमशेदपुर शहर को किस तरह से हम स्वच्छ बना सकते हैं और सैनिटेशन के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें कैसे जमशेदपुर बेहतर कर सकता है। इनके साथ साथ सड़क सुरक्षा को लेकर के जो है वो एक अति महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है जिसमें हेलमेट पहनने एवं ट्रैफिक नियमों के पालन को अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार का ये उद्देश्य है कि रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसमें जो है वो काफ़ी कमी लाई जाए और वो कमी तभी हो पाएगी जब लोग जो है वो इसमें सहयोग करेंगे। जमशेदपुर वासियों से भी मेरी अपील होगी कि वो खास तौर पे ट्रैफिक नियमों के पालन और स्वच्छता के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें। ये हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण जो है वो इसमें दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें शहर के सैनिटेशन को लेकर के हम लोगों ने पहले भी अपील किया था कि व्यापारी जो हैं वो अपने दुकानों में डस्टबिन्स जरूर रखें। हम लोगों ने ये कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर में कोई भी दुकानदार डस्टबिन नहीं रखते हैं तो उस पर हम लोग जो है वो हम लोग फाइन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी प्लास्टिक्स को लेकर के जो है वो प्रतिबंध लगाए गए हैं, कैरी बैग को लेकर के उसको काफ़ी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। खुदीराम बोस की जयंती पर रविवार को विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें याद किया गया और मानगो स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। जमशेदपुर नगर कमेटी की ओर से हमारे देश के पुष्प शहीद खुदीराम बोस के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं और साथ साथ हम लोग ये AIDSO की ओर से तमाम जो क्रांतिकारी लोगों का विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि खुदीराम बोस के जो जीवन संघर्ष है आज पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और छात्र नौजवानों में खुदीराम बोस की जो आदर्श है, उनकी जो प्रेरणा है, देश के प्रति जो कुर्बानी है, उन सभी जनता के सभी छात्रों के बीच में ले जाए, वही काम हम AIDSO छात्र संगठन की ओर से कर रहे हैं। विश्व विकलांग दिवस पर अखिल भारतीय विकलांग अधिकार मंच द्वारा काला दिवस मनाया गया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय धरना भी दिया। हाथों में अपनी मांगों के समर्थन में प्लाई कार्ड थामे इन मूक बधिरों ने विश्व विकलांग दिवस पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। हालांकि वे बोल नहीं सकते मगर प्लाई कार्ड के जरिए उन्होंने अपनी 16 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। उनकी प्रमुख मांगों में चुनाव में विकलांगों को 3% आरक्षण, विकलांग पेंशन 600 से बढ़ाकर 3000 आदि शामिल हैं। उनका नेतृत्व धर्मेंद्र कुमार शर्मा कर रहे थे। विश्व विकलांग दिवस का शुरू से हम लोग विरोध करते आए हैं और आज भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग 16 सूत्री मांग को लेकर के एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखे हैं। क्या मांगे हैं? हम लोगों का 16 सूत्री मांग है जिसमें हम लोगों का सबसे सर्वप्रथम जो मांग है आपका सभी आम चुनाव में 3% सीट आरक्षित करने के लिए हम लोगों का मांग है और दूसरा झारखंड में विकलांग आयोग का गठन होना चाहिए और विकलांग पेंशन जो है वो आपका 600 से बढ़ा करके 3000 रुपया किया जाए और आपका जितने भी मुखबधिर जो विकलांग हैं
उन लोगों के साथ तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह से उनको परेशान किया जाता है। कोई दुकान लगा रहे हैं तो उनको मोटी रकम की मांग की जाती है प्रशासन की ओर से, नहीं देने पर उसका दुकान को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से तरह तरह से विकलांगों पर अत्याचार किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं। कैसी सरकार है समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार शर्मा। इंडियन रिजर्व बटालियन में आरक्षी बहाली के लिए रविवार को शहर में परीक्षा का आयोजन हुआ। इंडियन रिजर्व बटालियन में भर्ती के लिए शहर में 31 परीक्षा केंद्रों में 12,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और ओएन दस्ते सक्रिय रहे। के लिए कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा हो रही है और हमारे सेंटर पर 228 कैंडिडेट्स अलॉटेड थे, जिसमें से कि अभी 136 कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं और 92 एब्सेंट है। जमशेदपुर एफसी का दूसरा मैच जेआरडी में 10 दिसंबर को पुणे की टीम से है। हालांकि टीम को अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है, पर दर्शकों का उत्साह इससे तनिक भी कम नहीं हुआ है। इंडियन सुपर लीग के अंतर्गत जमशेदपुर एफसी की टीम ने अब तक 3 मैचों में जीत हासिल नहीं की है और न ही हार का स्वाद चखा है। तीनों ही मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुए। बावजूद इसके खेल प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अब जीआरडी की दुधिया रोशनी में टीम का दूसरा मैच 10 दिसंबर को पुणे की टीम से होना है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। काउंटरों में टिकटों की बिक्री जोर शोर से जारी है। दर्शक 50, 150 और 250 की टिकटों के लिए घंटों लाइन में खड़े हो रहे हैं। जी, मेरा नाम सूरज कुमार यादव, मैं टेलो कॉलोनी से आया हूँ। पहला बार जमशेदपुर में मैच हो रहा है तो बहुत उत्साह और उमंग के साथ हम लोग आए हैं। यहाँ पे 50 के टिकट, 150, 200, 240 का टिकट यहाँ मिल रहे हैं। बहुत जोश है हम लोग के अंदर। और कल आए थे लेकिन कल लौट गए और आज फिर से आए हैं सुबह। जल्दी टिकट जाए और मैच का आनंद उठाए हम लोग। इस बार जीतेगा हम लोग जमशेदपुर और मुझे पूरा होप है कि जमशेदपुर पूरा जीतेगा। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जमशेदपुर मंडल का 2 दिवसीय सेमिनार संपन्न हुआ। सेमिनार में बीमा कर्मियों के भविष्य के अलावा देश की राजनीति की दिशा एवं दशा पर भी चर्चा हुई। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जमशेदपुर मंडल का 2 दिवसीय सेमिनार संपन्न हुआ। सेमिनार में कामरेड प्रकाश विप्लव और कामरेड श्रीकांत मिश्रा ने मुख्य रूप से संबोधित किया। उन्होंने आने वाले दिनों में बीमा कर्मियों को मिलने वाली चुनौतियों और सरकारी निर्णयों से बीमा कर्मियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान राजनीति की दिशा व दशा पर भी विस्तार से चर्चा की। मंडल की 44वां वार्षिक सम्मेलन आज यानी 2 और 3 दिसंबर को हिंदुस्तान बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर में हो रहा है और इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी CI2 के कॉमरेड प्रकाश विप्लव आए थे। उन्होंने ओपन सेशन में देश की जो आर्थिक परिस्थिति है, राजनीतिक जो स्थिति है, इसके बारे में चर्चा की। हमारे मुख्य वक्ता थे हमारे ई सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा। केला पब्लिक स्कूल कदमा में आयोजित यूथ कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ, जिसमें बच्चों की कैरियर बिल्डिंग के टिप्स दिए गए। केरला पब्लिक स्कूल कदमा में चल रहे 3 दिवसीय यूथ कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। कॉन्फ्रेंस में 15 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। वक्ताओं ने बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बिल्डिंग के गुर बताए, साथ ही नैतिक पुनरुत्थान पर भी चर्चा हुई। निशा मिश्रा